आगे बढ़े। कराची में पार्किंग माफिया और केएमसी का मुबैना गठजोड़ सामने आया। नाजिमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और एओ क्लिनिक के सामने पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों से भत्ता वसूली धड़ल्ले से जारी है। समा टीम को देखकर माफिया के कारिंदों की दौड़े लग गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। अच्छा, हम नाजाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने आए थे। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से लूटमार कर रहा था। दो पार्किंग माफिया कारिंदे थे। आप बताएं क्यों भागे हमें देखे समा टीम को? सर क्यों भागे? क्यों लूटमार कर रहे थे आप? क्यों पर्चियां गलत काट रहे थे आप? हम कोई करते हैं सर। क्यों पर्चियां गलत काट रहे थे आप? 50 रुपए गाड़ी की फीस क्यों ले रहे थे? 30 रुपए ले रहे थे। 50 रुपए ले भागे क्यों आप? भाग क्यों रहे थे? देख के तो हर कोई भाग जाता। क्यों भाग रहे हैं आप? चोरी की आपने? क्यों भाग रहे हैं? चोरी नहीं की, डर लगता भैया। क्या नाम क्या आपका? असद। असद कब से काम कर रहे हैं पार्किंग साइड पे? 3 महीने से। कितने रुपए रोज के मिलते हैं आपको? 500 रुपए। कौन देता है? ठेकेदार का नाम क्या है? केएमसी चला रही है। केएमसी चला रही है? कौन चला रहा है केएमसी से? शाहिद ना। केएमसी से कौन चला रहा है? शाहिद। क्या होते हैं वो केएमसी में? इंस्पेक्टर। कौन सी सरकार, कौन सा कानून, पार्किंग माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। पार्किंग फीस के नाम पर कराची वालों से भत्ता वसूली का सिलसिला जारी है। कितने लिए आपके? 30 रुपए। किस चीज के लिए? बाइक के। बाइक के 30 रुपए लिए? जी जी जी। किसने लिए थे? ये साहब को दिए थे हमने। कितने पैसे दिए थे? 50। किसका गाड़ी कौन सी थी? वो कटलस। कल्टस। कितने रुपए ले रहे हैं? 50 रुपए कार के ले रहे हैं। मैंने उसको बोला भी हॉस्पिटल वालों के, नहीं बोलते नहीं हॉस्पिटल के पार्किंग 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। समा टीम को देखकर पार्किंग माफिया के कारिंदे बुखला गए। पहले पर्चियां फेंकी, फिर गलत काम का एतराफ भी कर लिया। ये पर्ची इन्होंने फेंकी है, ये साहब है, 50 की पर्ची इन्होंने जो है वो दी थी। अच्छा, ये पर्ची पे आपने यहाँ क्या है? ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर क्यों नहीं है? पैसे कीमत क्यों नहीं लिखी हुई? सर वही ठेकेदार दे देता है। क्यों फेंकी पर्ची बताए ना? मैं आपको बता, चैनल वाले हैं अभी हम। क्या आप डर गए थे? पार्किंग माफिया बेलगाम क्यों है? आखिर केएमसी क्यों कोई एक्शन नहीं करती? इस सीधे से सवाल का म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। रैंडमली एक पार्किंग को जाके ठीक कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके आपने पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सिंध हुकूमत हो या केएमसी के कर्ता धरता, सबके दावे धरे के धरे रह गए। कराची में शहरी पार्किंग माफिया के रहमो करम पर हैं। माफिया रोजाना करोड़ों रुपए अपनी जेबों में डाल रही है, लेकिन केएमसी और हुकूमत सिंध की खामोशी एक सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।